हेलो, तो आज हम बात करेंगे रेविस सीई डायसोम जी टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को ब्लीडिंग लोज के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है, खून को रोकने के लिए यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेविस सीई डायसोम जी टैबलेट जो कि की फार्मा लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 129 रुपये हैं, क्योंकि इस टीम में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं इथाम थाइलेट 250 mg। दोस्तों इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, इस टैबलेट को ब्लीडिंग कंडीशन में प्रयोग की जाती है। नंबर टू, यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी हुआ हो या उसके दौरान या उसके बाद ब्लड लॉस हो रहा हो, खून ज़्यादा बह रहा हो, तो उस कंडीशन में प्रयोग की जाती है इस टैबलेट को, जो कि ब्लड को लॉस होने से बचाया जा सकता है। नंबर थ्री, किसी भी तरह से किसी को भी ब्लड लॉस हो रहा हो यानी कि खून बह रहा हो, जैसे कि चोट लगने से, कहीं से कट जाने से या एक्सीडेंट होने से खून निकल रहा हो, तो इन कंडीशन में भी प्रयोग की जाती है। नंबर फोर, कई महिलाओं को पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, खून ज़्यादा बहने लगता है, तो इस कंडीशन में भी दी जाती है इस टैबलेट को, जो कि ब्लीडिंग होने से रोका जा सकता है। नंबर सिक्स, किसी व्यक्ति को पाइल्स हो गई हो, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, तो उनके गुदा द्वार से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, तो इस प्रॉब्लम में भी प्रयोग की जाती है इस टैबलेट को। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं में प्रयोग की जाती है इस टैबलेट को। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें। तो इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर यूज़ करवाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को दिन में 2 बार लेना होता है, खाने खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाने खाने से पहले भी ले सकते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में। एंड 500 mg दिन में 1 बार लेना होता है, खाने खाने के बाद भी ले सकते हैं या पहले भी ले सकते हैं, 1 टैबलेट दिन में 1 बार। और दोस्तों इस टैबलेट को यूज़ करने पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बार दफ़ा यूज़ करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि वॉमिटिंग, हेडेक, स्किन रैश, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका प्रयोग करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था इसका और वीडियो रेविस सीई 250 mg टैबलेट के बारे में। फिर मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।